केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम है। इसके तहत देखिए अब तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में बसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित प्रताड़ना झेल चुके गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता मिलेगी। ये दिसंबर 2019 में संसद से पारित हो गया था। इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी भी मिल गई थी। विधेयक भारत में किसी भी अल्पसंख्यक के खिलाफ नहीं है और प्रत्येक भारतीय नागरिक के अधिकारों का समान रूप से संरक्षण किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए CAA अब पूरी तरीके से लागू हो चुका है और इस पर ज्यादा अपडेट देने के लिए रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए अब ये जो नोटिफिकेशन था वो जारी हो गया, इससे जुड़ी जानकारी हमने थोड़ी देर पहले भी आपसे ली थी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है? ना सिर्फ सियासी तौर पर आप हमें समझाएं बल्कि आम लोगों को भी CAA का क्या फायदा होगा, किस तरीके से कैसे आगे बात बनेगी। नहीं, देखिए सबसे पहले इसके फायदे के बारे में बताते हैं कि CAA कानून भारत सरकार सबसे पहले इसका बिल लेकर आई 2016 में। लोकसभा में ये बिल पास हुआ लेकिन राज्यसभा में बिल पास नहीं हो पाया। फिर 2019 के अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने ये बात रखी कि हम अगर हमारी सरकार दोबारा आती है तो हम इसको लेकर आएंगे और इस कानून को बनाएंगे। फिर 2019 में कानून लेकर आती है दिसंबर में, ये सरकार लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से इसको पास कराया जाता है और सरकार की तरफ से साफ किया गया इस कानून को लेकर, इससे किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। साफ तौर पे है, तीन दो देश हैं, भारत, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और बांग्लादेश। इससे जो आए हुए प्रताड़ित शरणार्थी हैं, जिनको प्रताड़ित किया जाता है वहां धर्म के नाम पर, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, जो छह धर्म के लोग हैं, इनको यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी लोग हिंदुस्तान आए, जो भी नागरिकता की मांग कर रहे थे, उनको नागरिकता इस कानून के तहत दी जाएगी। एक फॉर्म होगा, फॉर्म को भरना होगा, उसको अप्लाई करना होगा, उसके साथ साथ उनको नागरिकता, भारत सरकार को नागरिकता देने का अधिकार है। देखिए सबसे पहला कानून 1955 में बना था, उसके बाद कई बार संशोधन हुआ लेकिन ये चीज शायद नहीं रख पाए, क्योंकि देखिए एक तो 1947 में भारत की जब आजादी हुई, बंटवारा हुआ, तब कहीं ना कहीं सिटीजनशिप का मसला आया। फिर 1971 में जब बांग्लादेश का बंटवारा होता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश बंटता है, तब भी कई शरणार्थी भारत आते हैं और कई हिंदू आबादी वहां के लोग जो यहां आते हैं, उसके बाद उनको नागरिकता नहीं मिलती है, तो उनका मसला है। 1971 के बाद जो लोग हिंदुस्तान आए, जो हिंदू आबादी है, चाहे बौद्ध आबादी है, चाहे सिख आबादी, और जो प्रताड़ित होकर आए, क्योंकि आप जानते हैं कि धर्मांतरण किस लेवल पे चलता है पाकिस्तान में, किस तरह से जुल्म ढाए जाते हैं बांग्लादेश में हिंदू आबादी पर, तो कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ आए हैं उनको नागरिकता मिलेगी और नागरिकता से वो भारत के नागरिक होकर तमाम सारे जो अधिकार हम आप ले सकते हैं वो अधिकार उनको मिल जाएगा। एक फायदा है। नुकसान की बात किसके लिए है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अगर देखते हैं तो जो पार्टी मुस्लिम राजनीति करती है, चाहे वो TMC हो, चाहे कांग्रेस हो, इनको लगता है कि इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम आबादी, उनको ये लगता है कि जो मुस्लिम शरणार्थी थे, मुस्लिम भी शरणार्थी आए 1971 के बाद, बांग्लादेश के डिवीजन के बाद मुस्लिम्स भी यहाँ आए, जिनको हम घुसपैठिया कहते हैं, जो सरकार बार बार कहती है घुसपैठियों को हम रहने नहीं देंगे, इनको वापस भेजेंगे, तो वो उनको उनके लिए नुकसान है, इसलिए वो कहीं ना कहीं हल्ला मचाते हैं इस मामले को लेकर। इसलिए धरना प्रदर्शन देश में लंबे समय तक चला, दिल्ली में चला, लखनऊ में चला, बंगाल में चला, आसाम में चला, तमाम जगह धरना प्रदर्शन इसी नाम पर हुआ। तो वो जो आबादी है उनको ये गुमराह किया जाता है, कहा जाता है, लेकिन दो अलग अलग इसमें व्यू है। देखिए एक व्यू है कि जो हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान है उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उसकी कोई नागरिकता नहीं छीनी जा रही है। जो बाहर से घुसपैठिया मुसलमान आया है उसको कोई नागरिकता नहीं दी जाएगी, यह भी कहा जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद आपको बताना चाहूंगा कि इसी संसद में 2018, 2019, 2020 और 2021 का एक डाटा पेश किया गया नित्यानंद राय, जो गृह राज्य मंत्री, उन्होंने कहा कि 8,000 लोगों ने अप्लाई किया हिंदुस्तान की नागरिकता के लिए इस 4 साल में, जिसमें 4,000 लोगों को नागरिकता दी गई है। पाकिस्तान से आए मुस्लिम जो लोग हैं, आप जानती हैं एक फेमस गायक रहे हैं, उनको भी इस बात की नागरिकता दी गई, उन्होंने अप्लाई किया था यहाँ के लिए, तो अदनान सामी ने, तो इस तरह की नागरिकता दी जाती है। लेकिन ये एक फैसला है, पॉलिटिकल फैसला भी है और कहीं ना कहीं इसका फायदा भी लेने की कोशिश होगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ऐसा लगता है कि बंगाल में होने वाला, इसीलिए ममता बनर्जी बार बार कह रही है इसको अटैक कर रही है, मैं लागू नहीं होने दूंगी। हालांकि ये साफ है कि ये कानून केंद्र का कानून है। तीन तरह के लिस्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो
करंट लिस्ट में नहीं आता है इसमें, राज्य चाहे तो इसको रोक सकता है, ऐसा नहीं है। ये केंद्र का कानून है, राज्य को मानना पड़ेगा। पॉलिटिकली ममता बनर्जी मना कर सकती हैं इसको। रवि, इसी पर सवाल अगला लेना चाहती हूँ। देखिए, वोटों में ये कैसे तब्दील होता नजर आएगा, क्योंकि हमने देखा था स्पेसिफिकली अगर पश्चिम बंगाल की बात कर ले, क्योंकि ममता बनर्जी ने पुरजोर विरोध किया है, इसका मुखालफत की है कि हम पश्चिम बंगाल में इसे लागू होने नहीं देंगे। 2014 की बात करें, केवल 2 सीटें मिली थी बीजेपी को, 2019 में 18 सीटें जीती थी पश्चिम बंगाल में। अब सीएए का कितना फायदा हो सकता है पश्चिम बंगाल में, और ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में बाकी अन्य राज्यों का भी आप जरा जानकारी दें। देखिए, इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होने वाला है वो असम है, बंगाल है और उसके आसपास का जो इलाका है, क्योंकि आप गौर करिएगा तो 1971 के बाद जो बांग्लादेश डिवीज़न हुआ है तो वहाँ से जो शरणार्थी आए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो उसी इलाके से आए हैं। और बंगाल में ज़्यादातर एक समाज है मतुआ समाज, मतुआ समाज के लोग एक बड़ी आबादी में रहते हैं, और उसमें हालांकि बहुत बड़ी संख्या नहीं, अगर आंकड़े की बात करें तो कुल 32,000 ऐसे लोग हैं जिनको इसके तहत अभी नागरिकता मिलने वाली है देश भर में आज की तारीख में। लेकिन उन 32,000 लोगों की भी भावना समझिए कि इतने सालों से रह रहे उनको नागरिकता का कोई अधिकार ही नहीं है। और बीजेपी इसको इमोशनली इसलिए खेलती है कि हिंदुओं को अगर हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी, बौद्ध को सिख को अगर हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी, जो शरणार्थी हैं जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो, तो कहां जगह मिलेगी। तो यह एक राजनीतिक मुद्दा भी है और इसका फायदा भी, इसका नफा बीजेपी को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इसलिए विरोध करती है। और मतुआ समाज, आपको बता दूं कि एक बड़ा समाज है, लगभग 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट है बंगाल के जिसमें ये समाज के लोग रहते हैं और उनसे जुड़े ये लोग हैं जिनकी सदस्यता का मामला है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल मुद्दा है कि उनको अगर नागरिकता मिलती है भारत की तो पूरा समाज उनके साथ खड़ा होगा, जो जिनकी नागरिकता अभी है और जिनकी नागरिकता अब मिलने वाली है। तो एक इमोशनल फायदा होगा, एक हिंदू सेंटीमेंट भी जगेगा कि हिंदुओं के लिए सरकार काम करती है। और बार बार कहती है मोदी सरकार और बीजेपी सरकार की हिंदुओं को अब दब के रहने की जरूरत नहीं है, उनके लिए सरकार काम करती है, एक मैसेज भी है। लेकिन साथ साथ ये सरकार ये भी मैसेज दे रही है कि हम मुसलमानों का कोई हक नहीं छीन रहे, जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहा है उसको कोई हक नहीं छीना जाएगा। तो ममता बनर्जी चाहती है कि वहां जो मुसलमान, देखिए 33 से 34% मुस्लिम आबादी है बंगाल में, उनको लगता है कि वो नाराज हो जाएगा अगर ये कानून लागू होता है तो उससे मुस्लिम आबादी कहीं भड़केगी। तो मुस्लिम आबादी को साधने के लिए ममता बनर्जी बार बार ऐसा बयान दे रहे हैं कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे अपने स्टेट में किसी कीमत पर। बिल्कुल रवि, तो एक फायदा है, बीजेपी चाहेगी 18 से सीट बढ़ाना और ममता चाहेंगी उसके सीटों को घटाना। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी इसके सियासी आगे किस तरीके से फायदे होते हैं इस पर नजर रहेगी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो हो ही रहे हैं पक्ष विपक्ष की तरफ से। देखना होगा कि आखिर लोकसभा चुनाव में किस तरीके का फायदा मिलता है। शुक्रिया रवि इस पूरी अपडेट के लिए और इस खबर के साथ रुकते